फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जैसे शहजाद, जनमंगल स्वामी, विवेक शर्मा, मनीष रोशन, सुमित पांडे, आशीष, कैरोन करकी, राजेंद्र मेहरा और ऋषिकेश कुमार। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि रिगार्डलेस ऑफ और इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में इन दोनों वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, रिगार्डलेस ऑफ या इररिस्पेक्टिव ऑफ दोनों का मतलब होता है कि परवाह किए बिना, यानी किसी चीज की परवाह किए बिना। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में देखें ताकि आप अच्छा से इस कंसेप्ट को समझ सकें। वह अपनी आमदनी की परवाह किए बिना खर्च करता है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्पेंड्स रिगार्डलेस ऑफ हिज इनकम। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि रिगार्डलेस ऑफ का मतलब की परवाह किए बिना या फिकर किए बिना। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो रिगार्डलेस ऑफ की जगह पर इररिस्पेक्ट ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखिए ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अपनी सेहत की परवाह किए बिना वह शराब पीता रहा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He went on drinking wine irrespective of his health। यानी अपनी सेहत की परवाह किए बिना वह शराब पीता रहा। हो सकता है फ्रेंड्स आप ये सोचें कि मैंने इस सेंटेंस को went on से क्यों ट्रांसलेट किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यह कैसे ट्रांसलेट हुआ है तो फिर आप पार्ट 76 देखें, जहां मैंने बताया है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है जहां हम कहते हैं वह खाता रहता है या वह खाता रहा, वह काम करता रहता है या वह काम करता रहा। She always keeps smile on her face। वह हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है। Regardless of her misery, अपनी मुसीबतों को परवाह किए बिना या अपनी तकलीफों को परवाह किए बिना। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अपनी तकलीफों को परवाह किए बिना वो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा रिगार्डलेस ऑफ मतलब के परवाह किए बिना। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो रिगार्डलेस ऑफ की जगह पर आप इररिस्पेक्टिव ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। निमकी मुखिया पुश्ड ऑन हर स्कीम्स Regardless of anything। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ किसी चीज की परवाह किए बिना निमकी मुखिया अपने स्कीम्स को आगे बढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि regardless of मतलब परवाह किए बिना या फिकर किए बिना। आइए फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। वह दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना बकवास करता रहा। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He went on talking nonsense irrespective of other feelings। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि irrespective of मतलब की परवाह किए बिना, आप irrespective of के जगह पर regardless of का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो इन दोनों में जो भी आपको आसान लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको irrespective of और regardless of का इस्तेमाल समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।